हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अरुण सर। तो आज मैं आप लोगों के बीच में मोस्ट आज का लोक नृत्य लेकर आया हूँ, जो हर एग्जाम में आपसे पूछते रहता है, जो देखने को मिला अभी जो एग्जाम चल रहा है SSGD, और नेक्स्ट आपका एग्जाम हुआ ग्रुप डी NTPC, जो एग्जाम शुरू होने वाला है उसके लिए खास महत्वपूर्ण होगा आपका आज का लोक नृत्य। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैं इस सारी स्टेट का, मैं सारे राज्य का लोक नृत्य लेकर आया हूँ, जो मैं वीडियो को दो पार्ट में बांटूंगा। तो आप पहला वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और एक मैं एक सूचना और देता हूँ कि जो आपका ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सुबह 8 बजे बैच चालू है और 14 धमाका चल रहा है उसमें, जो ग्रुप डी के जो आपका डेट आ गया, NTPC का डेट आ गया, उसका 14 धमाका चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं उसमें। तो शुरू करते हैं आज के जो मैं लेकर आया हूँ लोक नृत्य। तो पहले हम लोग गोवा के बारे में चलूंगा, गोवा नहीं आपका बिहार, बिहार का लोक नृत्य जो मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। मैं सटीक लाया हूँ तैयार करके, जो लोक नृत्य है मोस्ट से मोस्ट, जो आपके एग्जाम में टपेगा छपेगा। तो पहला आपका विदेशिया नृत्य है आपका, जट जटिन, झिझियन, डोमकच, कजरी, सोहर, इस सभी जो आपका नृत्य है वो आपका बिहार का नृत्य है जी। बिल्कुल, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा बिहार दरोगा 26 दिसंबर को, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है आपका, जो आपका विदेशिया, जटजटीन, झिझियन और आपका डोमकच, कजरी, सोहर, सभी नृत्य जो आपका वो बिहार का है, तो मोस्ट है आपका। एक बार नहीं दो बार रिविजन करेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको जरूर याद होगा, मुझे विश्वास है। और नेक्स्ट आपका गोवा, जी गोवा के बारे में आपसे पूछते रहता है सवाल, नृत्य के बारे में, डांस के बारे में। तो आपका ढालो नृत्य, कुनुबी नृत्य और आपका लैंप डांस, फुगड़ी, सिग्मो, ढकनी, मेरुलेमा, इस भी गोवा का लोक नृत्य है। बिल्कुल फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, ढालो, फुगड़ी, सिग्मो, मेरुलेमा और आपका लैंप डांस, सिग्मो, इस भी आपका लोक नृत्य जो आपका गोवा का है। तो एक बार नहीं दो बार याद करेंगे इस तरह, यानी फिर से हम लोग चलते हैं आपका बिहार का लोक नृत्य के बारे में, फिर से रिविजन करते हैं। विदेशिया, जट जटिन, झिझियन, डोमकच, आपका कजरी, सोहर, इस भी किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। नेक्स्ट आपका गोवा, जी बिल्कुल गोवा के बारे में पूछिए। आपका नेक्स्ट है ढालो, कुनबी, सिग्मो, फुगड़ी, ढकनी, सभी लोक नृत्य कहाँ का? गोवा का। फिर से रिविजन करते हैं, ढालो, कुनबी, लैप डांस, ढकनी, सिग्मो और आपका मेरुलेमा, ये नृत्य किस राज्य का? गोवा का। बिल्कुल दो बार रिपीट करेंगे, RNR, रीड एंड रिविजन, तो मुझे विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा, जी बिल्कुल हरियाणा का लोक नृत्य के बारे में चलेंगे हम लोग। तो उसके आपका लोक नृत्य है उसका लूर, सॉन्ग, फाग, धमाली, सभी लोक नृत्य आपका हरियाणा का है जी। बिल्कुल लूर, डाफ, धमाल, फाग, सॉन्ग, खोरिया, बिल्कुल मैं जो लोक नृत्य लेकर आया हूँ एकदम सटीक तैयार करके लाया हूँ, जो आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इस तरह आप याद रखेंगे, आपसे पूछिए फिर से रिविजन कर दे, लूर, डाफ और आपका धमाल, फाग, सॉन्ग, खोरिया, सभी लोक नृत्य किस राज्य का? गोवा का। फिर से सॉरी हरियाणा का, जी हरियाणा का। फिर से रिविजन करते हैं एक बार फिर से, लूर, डाफ, धमाल, सॉन्ग, खोरिया,
और आपका फाग स्वी लुक मृत किस राज्य? हरियाणा का। तो नेक्स्ट आपका चलते नेक्स्ट मिजोरम। जी बिल्कुल, मिजोरम राज्य का नृत्य है आपका, तो उसके बारे में पूछे आपसे। खुआलम, चिराव आपका, खुआलम चिराव सोलकिया यानी श्रीलंकाई, ये आपसे पूछे। चुआंग लाई जॉन, जन कटलाम सोलाकिया, खांटम पाखु पिला, और आपका पूछे चिरकान नृत्य किस राज्य का? तो मिजोरम का। बिल्कुल एसजीडी में आपसे पूछा है सवाल चिराव नृत्य के बारे में, तो हर एग्जाम में आपसे लोक नृत्य के बारे में पूछता है, एक मोस्ट है जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ। तो जरूर इस वीडियो को देखेंगे जो मैं दो पार्ट में लेकर आऊंगा, जो आज का पहला पार्ट लेकर आया हूँ। फिर से रिविजन करते हैं एक बार मिजोरम के बारे में। खोवालम, चिराव, सोलंकिया, चुआंगलाई जॉन, जनकटलम, सवाला किया, खांडम, पाखो पीला, चिरकौन नृत्य, ये आपका मिजोरम का नृत्य है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप लोग, तो इस तरह आप याद रखें। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे। अगला लोक नृत्य क्या है उसके बारे में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बारे में चलेंगे। आपका लोक नृत्य क्या क्या पूछता है, तो आपका चरकुल्ला, चरकुल्ला नटंकी, रासलीला, कजरी, चाचरी, जाता, सभी नृत्य आपका जो उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल मोस्ट है जी, बिल्कुल याद रखें। चरकुल्ला नटंकी, रासलीला, कजरी, चाचरी, जाता, ये सभी जो आपका लोक नृत्य है वो किस राज्य का, तो आपका उत्तर प्रदेश का, मोस्ट याद रखें। नेक्स्ट आपका उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा से सवाल आते रहते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलता है। गौती पुआ, छऊ, घमोरा, रनप्पा, चैती घोड़ा, और आपका दलखाई, सवारी, मुंडरी, इसे भी जो लोक नृत्य किस राज्य का, तो उड़ीसा का। बिल्कुल एक बार और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। चरकुल्ला, नटंकी, रसलीला, कजरी, चाचरी, जैता, सभी लोक नृत्य किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का, मोस्ट है, बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट आपका गौती पुआ, छऊ, घमोरा, और आपका रनप्पा, चैती घोड़ा, नेक्स्ट आपका दलखाई, सवारी, मुंडरी, सभी लोक नृत्य कहाँ का, तो उड़ीसा का। बिल्कुल आप क्लियर हो गए होंगे, इस तरह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका घूमर, ये घूमर है, ये आपका घमोरा है, तो घमोरा आपका उड़ीसा का, और घूमर आपका जो राजस्थान का है, जो बिल्कुल याद रखिए। और आपका कालबेलिया, कालबेलिया कठपुतली, तिरहताली, गनगौर, जिंदाद, सभी किस राज्य के लोगों नृत्य, तो आपका राजस्थान का। बिल्कुल इस तरह याद रखिए, फिर से घूमर, तिरहताली, कालबेलिया, और आपका कठपुतली, गनगौर, जिंदाद, सभी लोक नृत्य किस राज्य का, तो राजस्थान का। बिल्कुल फिर से रिविजन करते हैं, घूमर, कालबेलिया, तिरहताली, गनगौर, जिंदाद, और आपका कठपुतली, सभी जो लोक नृत्य किस राज्य का, तो उड़ीसा का। और एक मोस्ट याद रखें, कालबेलिया जो आपका यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, विश्व यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, कालबेलिया को 2011 में शामिल किया गया। बिल्कुल याद रखें आप, जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। और नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश का, जो बिल्कुल मध्य प्रदेश का नेक्स्ट आपका जो चटकोरा, भगोरिया, मटकी, मांच, ग्रीडा, सभी नृत्य किस राज्य का, तो एमपी का है। फिर से हम लोग रिविजन कर रहे थे, चटकोरा, भगोरिया, मांच, ग्रीडा, और आपका मटकी, सभी लोक नृत्य किस राज्य का,
तो मध्य प्रदेश का। तो बिल्कुल इस तरह पे याद रखें, जो मैं आज करीब 8 है राज्यों का स्टेट के बारे में लेकर आया, जो लोकनृत्य, और नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊंगा जो मोस्ट से मोस्ट मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में से आपको जरूर नेक्स्ट एग्जाम होगा जो होने वाला एनटीपीसी ग्रुप डी और दरोगा, तो जरूर देखने को मिलेगा इस वीडियो से, पक्का टपकेगा छपेगा, नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें। तो कैसा लगा? बिल्कुल मैं शॉर्ट वीडियो लेकर सोच रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम लेकर नहीं, बिल्कुल मोस्ट से मोस्ट सटीक तैयार करके आपके एग्जाम में, आज की जो जो एग्जाम चल रहा है बिल्कुल एक स्मार्ट स्टडी के रूप में, बिल्कुल आज की डेट में ज्ञानी नहीं बनना, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन सेट तैयार करके सिलेक्शन आपको लेना होगा, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना होगा। तो इस वीडियो को देखकर मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, जरूर बताएंगे कैसा लगा आपको, और लास्ट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल गड़प क्लास पे नहीं जुड़े होंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और एक आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है उसमें जुड़ सकते हैं आप सीधे, जो जबरदस्त धमाका चल रहा है आपका रेलवे NTPC ग्रुप डी का, और आपका नेक्स्ट एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 10 दिन बचा है, 15 दिन टाइम बचा है आपको बिहार दरोगा SI का प्री का। तो बस इतना ही, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। तो बीता रहता है शिक्षक, जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ क्लास, कलम क्रांति जिंदाबाद।